बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है कि एक्स वाई जेड पार्टनर दे रखे हैं, 3:1 का उनका रेशियो है, एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो है 3:1, और कह रखा है क्वेश्चन में कि वो अपनी अकाउंट की जो बुक्स क्लोज करती है वो 31 मार्च को करती है, वाई की डेथ हुई है 30 जून को और गुडविल वैल्यू करी गई 60,000। वाई की डेथ हुई है 30 जून को, उस दिन गुडविल वैल्यू करी गई 60,000। वाई का जो प्रॉफिट है वो निकलेगा पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, जो कि है 1.5 लाख रुपए। आपसे कहा गया है कि आपको एंट्री पास करनी है एक तो गुडविल की और वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट की या लॉस की, जो भी होगा ठीक है, प्रॉफिट ही हुआ है तो प्रॉफिट की एंट्री बनानी होगी। तो देखिए फॉर्म की गुडविल है 60,000, वाई के हिस्से गुडविल आ जाएगी 20,000, गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:1 क्योंकि कुछ नहीं कह रखा, तो ऐसे में पार्टनर पुराने रेशियो में गेन करते हैं, तो गुडविल की एंट्री हो जाएगी xz2y। ठीक है बच्चों, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ढंग से लिखेगा बच्चों, मेरे लिखे हुए मत जाइएगा, मेरे सुने हुए पे जाइएगा, मेरे बोले हुए पे जाइएगा, ठीक है बच्चों, नंबर मत कटवा लीजिएगा इस वजह से। तो 20,000 को ये लोग बैड देंगे 3:1 के रेशियो में, तो 15,000 एक्स देगा, 5,000 जेड देगा, 2y। रही बात वाई के हिस्से के प्रॉफिट निकालने की, तो मैं आपको बता दूं बच्चों वाई के हिस्से का प्रॉफिट कैसे आएगा, 1.5 लाख पूरे फर्म का प्रॉफिट है, वाई ने इस साल काम किया 3 महीने तक, तो 1.5 लाख का पूरे साल का है, 3 महीने का 37,500 हो जाएगा, वाई का हिस्सा उसका 1/6 है, 1/3, तो 37,500 का 1/3 12,500 होता है, तो 12,500 वाई के हिस्से का प्रॉफिट आ गया, और वो दिया जाएगा पेनल सस्पेंस से, क्योंकि एक्स और जेड अपने पुराने रेशियो में गेन कर रहे हैं, जब पुराने रेशियो में गेन कर रहे हो या उनका आपस का रेशियो चेंज ना हो पुराने पार्टनर का रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो पेनल सस्पेंस से ही वाई का प्रॉफिट दिया जाता है डिसीज पार्टनर का। तो एंट्री बनेगी पेनल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 12,500 12,500। ठीक है बच्चों, लिखे हुए मत जाइएगा, लिखा कुछ ज़्यादा ही सुंदर है मुझे ये पता है, लेकिन मेरे बोले हुए पे जाइएगा, उसको ढंग से समझ लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा पक्का ये क्वेश्चन। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ABC पार्टनर है, उनका रेशियो 3:1 है, फॉर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च को एवरी ईयर, बी की डेथ हुई है 30 जून को और गुडविल इस समय वैल्यू करेगी 6 लाख, और बी का जो शेयर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा निकलेगा पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, लेकिन पिछले साल प्रॉफिट हो गया फर्म को 15 लाख का लॉस, प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस हो गया 15 लाख का। तो आपसे कहा गया है कि बी के हिस्से गुडविल की एंट्री और बी के हिस्से के प्रॉफिट की एंट्री पास करिए, और देखिए बच्चों यहाँ पर ABC का ओल्ड रेशियो 3:1 है, बी की डेथ हो गई तो नए रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गेनिंग रेशियो आपका 3:1 आ जाएगा, 6 लाख पूरे फॉर्म की गुडविल है, तो बी के हिस्से की गुडविल 2 लाख आ जाएगी, 6 लाख का 2/6 और 2 लाख को 3:1 में बांटेंगे, तो ए देगा 1.5 लाख और सी देगा 50,000, एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। आप AC भी मत देखिए, मैंने लिखा है, मैंने बोला है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और 2 लाख को जब 3:1 में बांटेंगे तो 1.5 लाख ए देगा, 50,000 सी देगा, टू बी 2 लाख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए ढंग से। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए बी के हिस्से के प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए, 15 लाख पूरे साल का लॉस है, बी ने 3 महीने काम किया है तो 3 साल का लॉस हो जाएगा 3,75,000, 3 महीने का लॉस। ठीक है, 3,75,000 तो पूरे फर्म का है, बी के हिस्से का लॉस आ जाएगा 1,25,000, और पार्टनर क्योंकि पुराने रेशियो में ही गेन कर रहे हैं या उनका आपस का पुराना रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो ऐसे में लॉस की एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेनल सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट होता तो पीनल सस्पेंस टू बीज कैपिटल, लॉस होगा तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीनल सस्पेंस, 1,25,000, 1,25,000, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की, तो PRS पार्टनर है, इनका आपस का रेशियो 4:8, 3:8 और 1:8 है, जिसे हम सिंपली 4:3:1 कह सकते हैं, तो PRS अब नजर आ जाएगा आपको PRS। ठीक है बच्चों, और डीड में कहा गया अगर इसकी पार्टनर की डेथ होती है तो गुडविल निकाली जाएगी 1/2, यानी कि हाफ सिंपली या 50% कह सकते हैं, और द नेट प्रॉफिट ग्रेटेड टू इज अकाउंट ड्यूरिंग द पिछले चार साल में उसको जो भी प्रॉफिट दिया गया है उस पार्टनर को, डिमांडने वाले को, उसका हाफ ही उसकी गुडविल बन जाएगी। यहाँ पर बच्चों मैं पहले साफ कहता हूँ आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है, सिर्फ यही तो कहा है कि पिछले 4 साल में उसको जो भी प्रॉफिट दिया गया है उसका हाफ, एवरेज के लिए कहीं नहीं कहा गया। तो यहाँ पर बता दूँ बच्चों डेथ हुई है आर की, और आर के हिस्से का जो गुडविल होगी, आर का हिस्सा 3/8 है और पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 1/20, 80, 40 और 80, 1/20 और 80 2 लाख होता है, 2 लाख + 40 2/40 होता है, और 80 3/20 होता है, तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट है 3/20 में आर को मिला होगा 3/8,
और इनटू हाफ भी करना है, क्योंकि पिछले 4 साल में उसको जो भी मिला है उसका हाफ ही उसकी गुडविल होगी, तो ये बी के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। ये 3 20 / 8 होता है 40, 40 × 3 होता है 120, 120 / 2 होता है 60,000। तो बी के हिस्से की गुडविल आ गई 60,000। गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4:1। बी मतलब मिडिल पार्टनर यानी आर, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में तो पी और एस जो है वो गेनिंग पार्टनर बन गए, उनका गेनिंग रेशियो 4:1 हो जाएगा जब कुछ नहीं के रखा होता। तो 60,000 जो है एस को दिया जाएगा आर को पी और एस के द्वारा। तो जब 60,000 पी और एस देंगे आर को तो एंट्री हो जाएगी पी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। 60,000 को बांटूंगी 4:1 में तो 48,012 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एंट्री बन गई पी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ये देख लीजिए बच्चों एंट्री, इतनी सुंदर राइटिंग में आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो पी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000, एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, टू आर कैपिटल अकाउंट 60,000। तो गेनिंग रेशियो 4:1 हो गया था, आर के हिस्से गुडविल 60,000 आई थी, मैंने बताई दिया कैसे आया। 4 साल का प्रॉफिट जोड़ के 3:20 आया, 3:20 × 3/20 के 3/8 करा तो इसके हिस्से का प्रॉफिट हो गया 1:20, लेकिन गुडविल निकालने के लिए उसका हाफ करना है तो 1:20 का हाफ हो गया 60,000। और गेनिंग रेशियो हो गया 4:1, क्योंकि गोल्ड रेशियो 4:3:1 था, जो कुछ बता नहीं रखा। तो जो पार्टनर मरा उसका शेयर हटा दीजिए और जो बचा वही नया रेशियो और वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, जो पी और एस का आ गया 4:1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की, तो दिनकर नविता और वानी जो है पार्टनर है, उनका रेशियो 3:1 है। नविता की डेथ हुई है 30 जून 2017 को, उसका जो प्रॉफिट है वो निकाला जाएगा पिछले साल के सेल्स के बेसिस पे या टर्नओवर बेसिस पे, जो कि पिछले साल के भी सेल और प्रॉफिट तो नहीं दे रखे हैं, मगर पिछले साल का प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है जरूर सेल पे, और सेल इस साल की दे रखी है 6,00,000। देखिए बच्चों, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल दोनों दे दें, या फिर लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल की परसेंटेज दे दें, प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन सेल्स, तो फिर हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट और सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो परसेंटेज दे रखी है, तो बस करंट ईयर सेल की जरूरत पड़ेगी। तो इस साल जब तक नविता ने काम किया था 30 जून तक, उस साल की सेल है उतने पीरियड की सेल है 6,00,000, और प्रॉफिट का परसेंटेज जो लास्ट ईयर था सेल में वो 10% था, तो उसके हिसाब से इस साल 3 महीने का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 60,000। अब नविता का प्रॉफिट निकालना है, ये तो हमने 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लिया सेल के बेसिस पे, इस साल की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल लास्ट ईयर का दे ही रखा था, उसको केवल करंट ईयर की सेल से मल्टीप्लाई किया, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स इन द करंट ईयर 60,000 आ गया। नविता के हिस्से का प्रॉफिट जो निकलेगा वो 60,000 का 2/6 आ जाएगा, तो 60,000 × 2/6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20,000। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ नविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने को कहा था, एंट्री करने को नहीं कहा था, तो एंट्री कर अगर बनती भी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नविता कैपिटल अकाउंट हो जाता 20,000। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें बच्चों, अनिल सुनील और हरी जो है वो पार्टनर है, इनका रेशियो इक्वल है। सुनील की जो डेथ हो गई है, और डेथ हुई है उसकी 31 दिसंबर 2020 को, और प्रॉफिट जो है वो निकाला जाएगा, एक्चुअली उन्होंने बकायदा अकाउंट प्रिपेयर करे हैं और प्रॉफिट निकाला है, इस बार एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेसिस पे प्रॉफिट नहीं निकाला जाएगा, और प्रॉफिट हुआ है 6,00,000 इन 9 महीने का। तो अब ये जो प्रॉफिट हुआ है 6,00,000 का, ये सब में बांटा जाएगा, बिकॉज ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो बकायदा अकाउंट प्रिपेयर करके निकाला गया है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। जब बकायदा उतने पीरियड के अकाउंट बनाए जाते हैं जितने पीरियड के लिए डिसीज पार्टनर ने काम किया, तो प्रॉफिट जो है पीएनएल प्रोपरेशन अकाउंट के थ्रू बांटा जाता है, पीएनएल सस्पेंस के थ्रू नहीं, और ये प्रॉफिट सब में बांटा जाएगा। तो 9,00,000 को सब में बांट दीजिए इक्वली, 6,00,000 हुआ है प्रॉफिट ना कि 9,00,000, तो 6,00,000 को सब में बांट दीजिए इक्वली, बिकॉज दे आर इक्वल पार्टनर टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, ये लिखा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है 6,00,000, और 6,00,000 को बांट दिया सब में, तो 2,00,000 सबके हिस्से का आ गया। और इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ये 2,00,000 है, ये 6,00,000 है, ये पीएनएल प्रोपरेशन अकाउंट डेबिटर है, ये टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की, तो एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 है। 25 फरवरी 2019 को बी की डेथ हो गई, और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट खुद ही इन्होंने निकाल के दे रखा है 5,000, और सिर्फ बी के प्रॉफिट के लिए एंट्री पास करने को कहा गया है। तो जब कुछ नहीं कर रखा हो तो यही मानते हैं पार्टनर का पुराना रेशियो चेंज नहीं हुआ होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो ऐसे में जो प्रॉफिट दिया जाएगा डिसीज पार्टनर को पीएनएल सस्पेंस से दिया जाएगा, और एंट्री बन जाएगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एंट्री पास करनी थी और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 खत्म।
बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की, तो एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:1 है, बी की डेथ हुई है 30 जून 2021 को, और उसका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला जाएगा, और पिछले साल जो है प्रॉफिट में एक थोड़ा झोल भी है कि प्रॉफिट दे तो रखा है 14,000, मगर उस साल जो है 2,000 का बैड डेट्स भी है जो एडजस्ट करना है। ठीक है बच्चों, एक्चुअली बैड डेट्स तो इस साल हुआ है, मगर वो कहते हैं कि जब मालूम है कि बैड डेट्स हुआ है 2,000, तो उसमें एडजस्ट कर दीजिए पिछले साल के प्रॉफिट में। ठीक है, तो 2,000 को हमने 14,000 में से माइनस कर दीजिए, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर 12,000 कहलाएगा, लेकिन ये पूरे साल का है। ठीक है बच्चों, तो पिछले साल कोई बैड डेट्स नहीं हुआ था, बैड डेट्स तो इसी साल हुआ है, लेकिन क्योंकि हम एस्टिमेटेड बेसिस पे निकाल रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें एग्जैक्टली पता है कि हुआ है 2,000 बैड डेट्स हुआ है, तो उसे हटाना जरूरी बनता है। दैट्स वाई वो प्रॉफिट 14,000 की जगह 12,000 ही लिया जाएगा, लेकिन ये पूरे साल का है 12,000। और जो पार्टनर की डेथ हुई है क्वेश्चन नंबर 13 में, वो हुई है 30 जून को, तो 3 महीने का प्रॉफिट हो गया 3,000, और बी का रेशियो है 2:6, तो आप जानते हैं 3,000 इंटू 2:6 करेंगे तो 1,000 आ जाएगा, और एंट्री बन जाएगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। वो अलग बात है, एंट्री मांगी नहीं है, लेकिन निकला कैसे बता देता हूँ। पहले प्रॉफिट जो 14,000 था, उसमें से 2,000 रुपये बैड डेट्स के हटा दीजिए, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द होल ईयर तो 12,000 आ गया, लेकिन हमें होल ईयर का नहीं निकालना है, हमें केवल 3 मंथ्स का निकालना है, तो एस्टिमेटेड 3 मंथ्स का हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स ऑफ करंट ईयर इंटू 3/12, यानी कि 3,000, तो लिखिएगा बीज शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट 3,000 इंटू 2/6, यानी कि 1,000। एंट्री मांगी नहीं है, लेकिन मांगी गई होती तो बन जाती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 1,000 से एंट्री बन जाती, और ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता बच्चों। अब बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की, तो राम मनु और हरी पार्टनर हैं एक फॉर्म में, हरी की डेथ हुई है 30 जून 2022 को, यानी कि करंट फाइनेंशियल में उसने 3 महीने काम किया है, उसका जो प्रॉफिट है वो निकाला जाएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 3 साल के बेसिस पर, एस्टिमेटेड करके निकाला जाएगा। पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000, तो अंडरस्टूड है बच्चों कि तीनों को जब जोड़ेंगे तो 3,30 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा 3,60 आ जाएगा, 3,60/3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट तो आ गया बच्चों 1,20,000, 3,60,000 जो तीनों को जोड़कर आया था, अपॉन 3 कर दिया मैंने, तो सिंपली आ गया 1,20,000। लेकिन इसने पूरे साल तो काम किया नहीं है, ये तो पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट है, तो जो उसने काम किया है हरी ने, वो किया है केवल 3 महीने का, तो 1,20,000 इंटू 3/12 कर दीजिए, तो 3 महीने का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। 3 मंथ्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट, 3 मंथ्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू पूरे साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू 3/12 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 30,000। और हरी का शेयर निकालना है तो हरी का शेयर आ जाएगा 30,000 पूरे फर्म का है इंटू हरी का शेयर, जो कि है कुछ नहीं करेगा तो इक्वल ले लेंगे, यानी 1/3, 30,000 का 1/3 हो गया 10,000। एंट्री मांगी नहीं गई है, लेकिन एंट्री मांगी हुई तो कोई बड़ी बात नहीं थी, तो एंट्री हो जाती पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता क्वेश्चन नंबर 14। बात करें बच्चों क्वेश्चन 15 की, तो एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:1 का उनका रेशियो है, एक्स वाई जेड का जो रेशियो है वो है 3:2:1, और क्वेश्चन में कह रखा है कि वाई की डेथ हुई है 30 जून 2022 को, प्रॉफिट जो है 1 अप्रैल से 30 जून तक का ही 3,60,000 दे रखा है, ये ऑलरेडी इन 3 महीने का ही प्रॉफिट है, बट ये नहीं कहा कि अकाउंट्स बना के निकाला है, तो इसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही मानिएगा। और एक्स और जेड का नया रेशियो 3:2 है, तो इस बार एक्स और जेड का नया रेशियो भी दे रखा है 3:2, तो एक्स और जेड का पहले गेन निकाल लीजिए, क्योंकि इस बार एंट्री पीनल सस्पेंस के थ्रू नहीं होगी, वैसे बिल्कुल गुडविल की एंट्री करते हो बिल्कुल वैसी एंट्री बनेगी, तो एक्स का गेन निकलेगा बच्चों कुछ इस तरह से कि एक्स का नया शेयर है 3/5 माइनस 3/6 कर दीजिएगा, 18 माइनस 15 होता है 3/30, ये एक्स का गेन आ जाएगा। जेड का गेन निकालना है तो 2/5 माइनस 1/6 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 7/30, तो गेनिंग रेशियो आ गया 3:7। अब 3,60,000 तो पूरे जो है पूरे फर्म का प्रॉफिट है, तो 3,60,000 में जो हमारा पार्टनर रिटायर हुआ है उसका हिस्सा 2/6 है, रिटायर मतलब डेथ जिसकी हुई है, वाई का हिस्सा है 2/6 यानी 1/3, तो 3,60,000 ऑलरेडी 3 महीने का प्रॉफिट है, तो इंटू 3/12 मत करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3,60,000 इंटू 2/6 हो गया 1,20,000, वाई के हिस्से का प्रॉफिट हो गया 1,20,000। ठीक है बच्चों, 3,60,000 पूरे फॉर्म का है इंटू वाई का हिस्सा जो कि 1/3 है या 2/6 एक ही बात होती है, तो आपका आंसर आया 1,20,000। और रही बात इसकी एंट्री पास करने की, तो एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई,
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, आपको नजर आ रहा है ना ये एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ, जेड्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ, टू वाइज कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ। यहाँ पे लिखिए 1,20,000 और इनका गेनिंग रेशियो है 3:7, तो यहाँ पर आएगा 36,000, यहाँ पर आएगा 84,000 और टू वाइज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 1,20,000। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी एंट्री और क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा ये प्रॉफिट 3,60,000 इतने ही टाइम पीरियड का था, इसलिए 3/12 मत करिएगा। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में राधा, टीना और रीता पार्टनर हैं, इक्वली वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। रीता की डेथ हो गई है 31 जुलाई को, यानी उसने इस साल 4 महीने काम किया है। राधा और टीना ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस चलाएंगे और शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस जो भी है वो निकाला जाएगा ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, जो कि है 4.5 लाख। आपको रीता का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है और उसकी एंट्री पास करनी है। तो पिछले साल का जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट है 4,50,000। इस साल का जो प्रॉफिट एस्टिमेट किया जाएगा वो लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे किया जाएगा। इस साल रीता ने काम किया है केवल 4 महीने, तो पूरे साल का प्रॉफिट 4.5 लाख है, तो 4 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट ऑफ 4 मंथ्स ऑफ करंट ईयर, एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ 4 मंथ्स ऑफ करंट ईयर, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 4.5 लाख इंटू 4/12, यानी 1/3। 4.5 लाख का 1/3 होता है 1/50, तो 1/50 आपका प्रॉफिट निकल आया। अब क्या करना है आपको, रीटा के हिस्से का प्रॉफिट निकालना है। रीटा का हिस्सा 1/3 हो जाएगा क्योंकि ओल्ड रेशियो इक्वल था, तो 1/50 इंटू 1/3 कर दीजिए, तो ये रीटा का प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा 50,000। अब रीता के हिस्से का प्रॉफिट 50,000 है और पार्टनर्स का कोई रेशियो चेंज हो नहीं रहा, तो इसका मतलब वो पुराने रेशियो में गेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉफिट पीएमएल सस्पेंस के थ्रू दिया जाएगा रीटा को। तो एंट्री आप बनाई लेंगे बच्चों, एंट्री बनाकर दे भी रखी है, पीएमएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीटा कैपिटल अकाउंट, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरह के से है कि मनोज, राकेश और हर्ष जो है पार्टनर है, 2:1 का उनका रेशियो है। मनोज की डेथ हुई है 30 जून 2022 को और राकेश और हर्ष ने कहा वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो भी डिसीज पार्टनर को निकला जाएगा, निकाला जाएगा ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लेकिन लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ, लास्ट ईयर लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। तो जिस पार्टनर की डेथ हुई उसने इस साल 3 महीने काम किया है, तो पूरे साल का अगर प्रॉफिट लास्ट ईयर 2 लाख था, तो 3 महीने का प्रॉफिट 50,000 आ जाएगा। और मनोज के हिस्से का प्रॉफिट जो है वो देखिए, पहले पूरे साल का प्रॉफिट लास्ट ईयर का 2 लाख है, इस साल 3 महीने काम किया है, तो 3 महीने का आ जाएगा 2 लाख × 3/12, यानी कि 50,000। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द टाइम पीरियड द पार्टनर वर्ड इज इन द करंट ईयर इज 50,000। तो 50,000 है, उसका हिस्सा का प्रॉफिट आएगा 20,000। क्यों? क्योंकि उसका हिस्सा 2/5 है, तो उसका हिस्सा आ गया 20,000। तो जो भी लास्ट ईयर प्रॉफिट है इंटू जितने महीने उसने काम किया इंटू जितना उसका हिस्सा है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 2 लाख × 3/12 × 2/5 करिए, डायरेक्ट 20,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस 20,000 को, बल्कि ये प्रॉफिट नहीं लॉस कहलाएगा क्योंकि लास्ट ईयर लॉस हुआ था। तो आमतौर पर प्रॉफिट की एंट्री होती है पीनल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन लॉस के केस में हो जाएगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीनल सस्पेंस अकाउंट, यानी कि 20,000 से ही एंट्री बन जाएगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीनल सस्पेंस अकाउंट। मैं मनोज का प्रॉफिट एक सेप में निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए बच्चों, लास्ट ईयर लॉस था 2 लाख इंटू जितना महीने उसने काम किया इंटू जितना उसका हिस्सा है, डायरेक्ट इससे मनोज का ही प्रॉफिट निकलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, दिस इज मनोज प्रॉफिट, तो मनोज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख × 3/12 × 2/5, ये क्या आ गया 20,000, बल्कि प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसको लॉस कहेंगे और एंट्री हो जाएगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। क्लियर बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में एक्स वाई जेड पार्टनर हैं और जेड की जो डेथ हुई है 31 मई 2021 को हुई है। 31 मई 2021 का मतलब होता है उसने इस साल 2 महीने ही काम किया होगा केवल। उसका प्रॉफिट जो है वो निकलेगा ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 साल, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट 18, 19, 17 है, जिनका एवरेज निकालेंगे तो 18 ही आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। और फिर ये कह रखा है कि आपसे कह रखा है कि जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए और एंट्री पास करिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और जेड, एक्स और वाई का चेंज ना हो और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई का 3:2 हो जाए। तो पहले मैं आपको बता दूँ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले जो 3 साल है वो 18,000 आ गया इंटू जिस पार्टनर की डेथ हुई इसका हिस्सा बाद में लिखेगा, पहले टाइम पीरियड ही वर्ड लिख लीजिएगा 2/12, 18,000 इंटू जितने महीने उसने इस साल काम किया इंटू जिसका हिस्सा,
वन बाय थ्री, 18,000 का 2 बाय 12 होता है 3,000, 3,000 का 1 बाय 3 होता है 1,000, तो यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा आया प्रॉफिट का 1,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब इन्होंने यहाँ पे दो केस दे रखे हैं, केस वन में एक्स और वाई का रेशियो चेंज नहीं हुआ यानी कि पार्टनर पुराने रेशियो में गेन कर रहे हैं, तो ऐसे में जेड का प्रॉफिट पीनल सस्पेंस के थ्रू दिया जाएगा, तो केस वन में ये 1,000 रुपये उसको दिए जाएंगे पीनल सस्पेंस के थ्रू, और एंट्री बन जाएगी पीनल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,000 1,000, ये हो गया केस वन की एंट्री। केस टू में अमाउंट तो 1,000 ही रहेगा प्रॉफिट का, लेकिन हमें पहले केस टू में निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो बच्चों देखिए, एक्स का पुराना नया शेयर है 3/5, पुराना शेयर 1/3, कोई कुछ कह नहीं रखा तो ओल्ड रेशियो इक्वल लेते हैं। वाई का नया शेयर है 2/5, पुराना शेयर है 1/3, तो यह क्या 9-5 4/15, ये हो जाएगा 6-5 यानी 1/15, यानी गेनिंग रेशियो आ गया 4:1। अब 1,000 रुपये जो जेड को देने हैं वो 4:1 में हम एक्स और वाई से ले लेंगे, और एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,000, ये एक्स कैपिटल अकाउंट है, ये वाई कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 800, 200 और 1,000। इस तरह से बच्चों हमारा केस टू भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। अखिल, विक्रम और चारू जो है वो पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 3:1 के रेशो में। विक्रम की डेथ हो गई 30 सितंबर 2021 को यानी 6 महीने बाद इस साल में, और लॉस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वर एस्टिमेटेड है 360, तो ये 360,000 है वो इसी का लॉस है इन 6 महीने का ही, तो इसे 6/12 मत करिएगा। और अखिल और चारू का जो नया रेशियो है वो 3:2 है। देखिए बच्चों, अखिल विक्रम और चारू ABC मान लीजिए का ओल्ड रेशियो 3:1 था, और लॉस जो एस्टिमेट हुआ है इन 6 महीने का ही हुआ है, उसकी डेथ जो हुई है वो 30 सितंबर को हुई है, तो 6 महीने का ही ये ऑलरेडी लॉस है, तो इनको 6/12 मत करिएगा। लेकिन हाँ, विक्रम के हिस्से से जरूर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो कि 2/6 है, ये आ जाएगा 1,20,000। ठीक है बच्चों, और इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि अखिल और चारू का नया रेशो 3:2 है, तो इस बार लॉस की एंट्री पीनल सस्पेंस के थ्रू नहीं होगी बल्कि गुडविल की तरह जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है वॉल एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। मगर ये लॉस है तो एडजस्टमेंट एंट्री में डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज ये लॉस है। प्रॉफिट होता तो गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, लॉस है तो डिसीज पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर एंट्री बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए एंट्री बनाते हैं, उससे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं ए और सी का कितना होगा। ए का गेन आएगा बच्चों, उसका ए का नया शेयर है 3/5, पुराना शेयर है 3/6, तो ये आ जाएगा 18-15 3/30। ये सी का गेन निकालना है तो 2/5-1/6, ये आ जाएगा 12-5 यानी 7/30। ये 30 है बच्चों, ये 30 है बच्चों, ये 3:7 आ जाएगा गेनिंग रेशियो। और उसके हिस्से का जो लॉस आया था वो आया था 1,20,000, 1,20,000 को 3:7 में बांटोगे तो 36,000 और 84,000 आ जाएगा, और एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यन कैसे नाम लिख दीजिएगा, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट टू चारूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 लॉस के लिए, ये आ जाएगा 36,000, ये आ जाएगा 84,000, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 22। याद रखिएगा यहाँ जो 360,000 था वो ऑलरेडी 6 महीने का लॉस था, इसलिए 6/12 नहीं करा गया, सिंपल विक्रम के शेयर से मल्टीप्लाई करा गया जो कि था 2/6 यानी 1,20,000, और ये लॉस था इसलिए एंट्री जो हमने करी है वो गेनिंग रेशियो में तो करी है क्योंकि पार्टनर का गेनिंग रेशियो डिफरेंट है फ्रॉम देयर ओल्ड रेशियो। जब भी नया रेशियो दे रखा हो तो गेनिंग रेशियो निकाला ही जाता है पार्टनर का, और फिर एंट्री पीनल सस्पेंस के थ्रू नहीं की जाती, गेनिंग रेशियो में की जाती है। मगर ये एंट्री में डिसीज पार्टनर डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ये लॉस था ना कि प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता तो ए और सी डेबिट होते, बी क्रेडिट होता। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन 22 कंप्लीट। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड पार्टनर देखे हैं, इनका रेशियो 4:3:1 है। फॉर्म अपने अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च एवरी को हर साल। 1 फरवरी 2021 को वाई की डेथ हो गई है, तो वाई ने इस साल जो काम किया होगा यानी कि जो करंट ईयर 2021 है उसमें केवल 10 महीने काम किया होगा, फरवरी के पहले दिन ही उसकी डेथ हो गई, तो जनवरी तक उसने काम किया है, इसका मतलब उसने 10 महीने काम किया है। और नया रेशियो जो एक्स और जेड का वो इक्वल है। अब क्योंकि एक्स वाई जेड का पुराना रेशियो भी है 4:3:1 और एक्स और जेड का नया रेशियो भी है 1:1, तो आपको इस बार गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और चाहे प्रॉफिट हो चाहे गुडविल दोनों की एंट्री गेनिंग रेशियो में ही करनी पड़ेगी। तो इन्होंने प्रॉफिट निकालने को कैसे कहा है वो भी देख लेते हैं, और गुडविल निकालने को कैसे कहा है वो भी देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा गुडविल निकालने के लिए तो हाफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द डिसीज पार्टनर अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर्स,
तो पिछले 4 साल में डिसीज पार्टनर को जो भी प्रॉफिट दिया गया होगा उसका हाफ ही उसकी गुडविल हो जाएगा। याद रखना, एवरेज नहीं निकालना है, 4 साल के प्रॉफिट जोड़ने हैं, इनटू डिसीज पार्टनर के हिस्से से मल्टीप्लाई करना है, इनटू हाफ करना है, उसकी गुडविल आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पर वाई है, तो वाई की गुडविल ऐसे निकलेगी, हाफ इंटू इन 4 साल का प्रॉफिट जोड़ देता हूँ, 1,50 और 1,250 और 50, 3 लाख और 4 लाख, 4 लाख अपॉन 4 बिल्कुल मत करेगा, इंटू उसका हिस्सा जो कि 3/8 था, 4 लाख अपॉन 8 होता है 50,000, 50×3 होता है 1,50,000, 1,50,000 अपॉन 2 होता है 75,000, तो इसके हिस्से का जो गुडविल आ गई वो 75,000 आ गई। तो ये हो गई वाई के हिस्से की गुडविल। अब वाई के हिस्से का प्रॉफिट निकाल लीजिए, उन्होंने कहा है कि एवरेज प्रॉफिट लेना तो है लेकिन केवल पिछले 2 साल का ही लेना है, तो पिछले 2 साल का जो है प्रॉफिट वो 50,000 और 1 लाख है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 75,000। तो पिछले साल का 2 साल का एवरेज प्रॉफिट केवल 75,000 आया है, इंटू जितने महीने वाई ने काम किया 10/12, क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहे हो तो जितने महीने काम किया वो मैटर करता है, गुडविल निकालते समय डिसीज पार्टनर ने जितने महीने काम किया वो मैटर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो 75,000 इंटू 10/12 इंटू वाई का हिस्सा जो कि 3/8 है, तो 75,000 इंटू 10/12, 75,000 इंटू 5/6 इंटू 3/8, तो 75,000 अपॉन 6 करोगे तो कितना आएगा, 72 का होता है 12 और 3,000 का 1/6 होता है 500, तो 12,500 हो गया, 12,500 इंटू 5 करोगे तो ये जाएगा 62,500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 187,500 को 8 से काटोगे, तो 187,500 को अगर 8 से काटना है तो आपका 180 को अगर 8 से काटेंगे तो कितना होगा, 180 अपॉन 8 होता है बच्चों, ये सब बच्चों करने के बाद 23,437.50 आएगा, जिसे राउंड ऑफ करके 23,438 कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका हिस्से का प्रॉफिट आ गया। अब क्या है इस क्वेश्चन में, आप जानते हैं कि इसमें पार्टनर का नया रेशियो भी दे रखा था एक्स और जेड का, तो हमें उनका गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आप साफ देख लीजिए, एक्स का नया शेयर भी हाफ है, पुराना शेयर भी हाफ ही है, बिकॉज 4/8 को हाफ ही कहते हैं, तो इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि एक्स तो गेन कर ही नहीं रहा, ना ही सेक्रीफाइस कर रहा, तो जो भी गेन कर रहा है वो जेड कर रहा है। तो चाहे गुडविल हो चाहे प्रॉफिट, दोनों के लिए एंट्री जेड के करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट से लेके वाई को दिया जाएगा फॉर गुडविल एज वेल एज फॉर प्रॉफिट। तो गुडविल की एंट्री भी हो जाएगी, जो 70 कितना निकल कर आया था बच्चों आप लोगों का गुडविल, 75,000 निकल कर आया था, अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया था जस्ट पहले, रब कर दिया अलग बात है। तो एंट्री जाएगी गुडविल के लिए भी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट के लिए भी जो अभी निकल कर आया बहुत अच्छा वाला अमाउंट 23,438, कैलकुलेशन अच्छी खासी थी इसकी, तो उसके लिए भी एंट्री हो जाएगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट 23,438 और 75,000 से। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर सकते हैं बच्चों। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक का ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू।